विधानसभा चुनाव पर अब तक की बड़ी खबर आपको बता दें, 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा आज होगी। आज दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग इसकी घोषणा करेगा। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। खबर ये सामने आ रही है कि यूपी में 6 से 8 चरणों में चुनाव हो सकता है। वहीं पंजाब की बात करें तो यहां पर 1 से 3 चरणों में चुनाव हो सकता है। वहीं उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण में ही चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं मणिपुर की बात करें तो सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि वहां पर भी 2 चरणों में चुनाव हो सकता है। दोपहर 3:30 बजे यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी अब बस महज 2.5 घंटे बचे हुए हैं, सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार ये डिमांड कर रही थी कि जल्द ही चुनाव आयोग को विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देना चाहिए। अब आज ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा। 3:30 बजे चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। देखना यह भी होगा कि कोरोना के खिलाफ जब देश जंग लड़ रहा है, उनके बीच चुनाव आयोग कैसे यह जंग कराएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी बने हुए, नीरज कुमार दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर से। वहीं ब्रजेश कुमार जो हैं हमारे साथ बने हुए हैं, हम लगातार विश्लेषण करेंगे 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों का इनके साथ। अमित सिंह लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं और जावेद मंसूरी जो हैं नोएडा से हमारे साथ बने हुए, साथ में दीपांकर भट्ट देहरादून से हमारे साथ बने हुए। लेकिन सबसे पहले मैं रुक नीरज आपका ही करूंगा, क्योंकि आपने ये खबर ब्रेक की थी, तो और क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि कब तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव की घोषणा होगी और इस वक्त मैं वहीं मौजूद हूं, चुनाव आयोग विज्ञान भवन से ही चुनाव की घोषणा करेगा। एक बार तस्वीरें आपको दिखा दूं जो लोग इस वक्त न्यूज 18 इंडिया को देख रहे हैं उनके लिए, कि इसी विज्ञान भवन में, क्योंकि अगर विज्ञान भवन का जिक्र आता है तो कई घोषणाएं यहां पहले हो चुकी हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें, 2019 के लोकसभा चुनाव के अलावा कई विधानसभा चुनावों का ऐलान यहां से हुआ है। लेकिन अगर 5 राज्यों के संदर्भ में देखो तो पंजाब को लेकर विज्ञान भवन का पिछले साल बहुत महत्व रहा है। तमाम जो कृषि कानूनों पर बैठके रही है सरकार के साथ, और कृषि जो संगठन है, कृषि कानून से जुड़े जो संगठन है, जो मांग कर रहे थे कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और बाद में प्रधानमंत्री ने वापस लिया, तो बैठके यही होती, तो तमाम सरकारी बड़े कार्यक्रम यही होते हैं विज्ञान भवन में, घोषणा यही होगी। एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें कि उत्तर प्रदेश में 6 से 8 चरणों में मतदान हो सकता है, पंजाब में 1 से 3 चरण में, मणिपुर में 1 से 2 चरण में, गोवा में 1, उत्तराखंड में 1। ये है सूत्रों के हवाले से खबर। कुछ बदलाव हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, वो हो सकता है, क्योंकि कई बार सूत्र जो है वो अंदाजा लगाने में भी फेल करते हैं, तो हमें उनकी जानकारी पे भरोसा करना होता है। दूसरी अहम बात, तमाम राजनीतिक दलों की गतिविधियां जो है रवि, वो बढ़ गई है। जिन्होंने अब तक टिकटों का ऐलान नहीं किया है, उनकी गतिविधियां बढ़ गई है, और आज के बाद अब तक बड़े राजनीतिक नेता पार्टियों का चुनाव प्रचार चल रहा है। ये तो खबर सामने आ रही है नीरज की, जिस तरह से यूपी में 6 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। अब यूपी के सियासी समीकरणों की भी बात कर लें, ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ बने हुए ब्रजेश जी, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान थोड़ी देर बाद हो जाएगा, करीब 2.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है। क्या लग रहा है आपको, यूपी में समाजवादी वर्सेस बीजेपी, यही द्विपक्षीय टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि हर बार तो त्रिकोणीय मुकाबला होता था वहां पर? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो त्रिकोणीय मुकाबला की जो परंपरा रही है, जो कि हमने देखी एक तरह से 2012 के चुनावों तक, लेकिन आप अगर उसके आगे जाएं तो फिर, और खासतौर पर अगर इन चुनावों की हम बात कर लें, तो बहुजन समाजवादी पार्टी एक फोर्स के तौर पर अब कहीं से भी रहने गई है। ना तो उसके चुनाव प्रचार में कहीं दिखाई देता है, ना ही वो ताकत दिखाई देती है। और आप ये ध्यान रखें कि इसकी शुरुआत एक तरह से 2014 के लोकसभा चुनाव के समय में ही हो गई थी, जब जिस तरीके से बीजेपी ने जो मैसिव गेन किया था, आप याद करिए 2014 के लोकसभा चुनाव 80 में से आप ध्यान रखें 71 सीटें खुद बीजेपी ने जीती थी, 2 सीटें उसकी सहयोगी ने, जो कि उस समय अपना दल वहां था, उसने जीती, तो 73 सीटें। उसके बाद से कुछ बचा नहीं था, उसके बाद से सपा में आप ध्यान रखें तो 2014 में परिवार को छोड़कर, अगर मुलायम सिंह का कोर कुनबा कह लें, उसके अलावा कोई नहीं जीत पाया था। बहुजन समाजवादी पार्टी की जो है बिल्कुल धूल धूसरी हो गई थी। उसके बाद से जो है लगातार एक तरह से कह सकते हैं जो त्रिकोणीय मुकाबले की जो वहां पर परंपरा रही है, वो जो है सो खत्म होती चली गई। और इन चुनावों में आप देखें, बहन जी को आप देखें, मायावती का कहीं से भी नहीं लगता कि जो है वह फाइट करने के मूड में है।
जहां तक सवाल आप देखिए कांग्रेस का, कांग्रेस जो है सो एक तरह से कह सकते हैं कि 1990 के बाद से ही वहां पर एक स्पेंट फोर्स के तौर पर कन्वर्ट हो गई है। जाहिर है उसका कोई मुख्यमंत्री बना नहीं है और उसको कोई चिंता भी नहीं है कि प्रियंका गांधी कितना भी कर ले, कितना भी महिला कार्ड खेल ले, लेकिन वो एक फोर्स नहीं है, उसके पास कैंडिडेट तक नहीं होते ढंग के। तो जाहिर है मुकाबला जो है कहीं ना कहीं वह जो है सो बीजेपी, जाहिर है रूलिंग पार्टी है, इतने मैसिव मैंडेट के साथ आई 2017 में, तो जाहिर है उसी का मुकाबला है। और दूसरी जो पार्टी सामने दिखाई देती है सपा है, तो यह जो मुकाबला आमने सामने का है। बिल्कुल बिल्कुल, सपा और बीजेपी में ही वहां पे टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि मायावती पिछले 2 महीने से गायब है, ना कोई जनसभा, ना कोई रैली, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा। अब उत्तराखंड की बात करें, दीपाकर उससे पहले सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, क्योंकि अमित सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अब देखना यह है कि लोगों का रिएक्शन क्यों है। एक तरफ देश कोरोना के खिलाफ लड़ाई भी लड़ रहा है, तो लोगों के मन में डर भी है, भय भी है कि किस तरह से वो सेफ होंगे मतदान केंद्र। तो क्या रिएक्शन सियासी पार्टियों और मतदाताओं में वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि बड़ी खबर जो यूपी डीजीपी का कहना है कि 150 पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो कंपनियां हैं उन्हें डिप्लॉय किया जा रहा है। 10 तारीख को 100 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को उन्हें मिल जाएगा। उसके बाद 12 और 13 तारीख में 50 कंपनी और मिल जाएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर ये कंपनियां चुनाव आयोग की तरफ से भेजे जा रहे हैं और इनका डिप्लॉयमेंट वो संवेदनशील इलाकों में होगा जहां फर्स्ट फेज में चुनाव होने वाले हैं। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है चुनाव आयोग और 3:30 बजे यह साफ हो जाएगा कि कितने फेज में चुनाव होगा। तो फिलहाल 150 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। इसमें सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी के जवान, ये तमाम सुरक्षा, ये तमाम सुरक्षा बल यहां पर फिलहाल तैनात किया जा रहा है। और जहां तक हम बात कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियों की त्रिकोणीय लड़ाई या समाजवादी पार्टी या बीजेपी की लड़ाई, तो अभी तक जो सिनेरियो दिख रहा है, जिस तरीके से लगातार देखिए, चुनाव आयोग भले ही थोड़ी देर बाद, महज 2 घंटे बाद अनाउंसमेंट करने वाली है कि कितने फेजेस में चुनाव होंगे, उसके बाद आचार संहिता लग जाएंगे, लेकिन जो चुनावी टेम्पो में उत्तर प्रदेश कुछ महीनों से वो आ गया था, जिस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी लगातार रैलियां कर रही थी, प्रधानमंत्री ने कई रैलियां की, इसके अलावा दूसरी तरफ हम देखें तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जिस तरीके से विजय रथ यात्रा निकाला तमाम इलाकों में, हालांकि उसके बाद जो जहां सबकी नजरें होंगी कोरोना को लेकर क्या गाइडलाइन चुनाव आयोग की तरफ से बनाया जाता है, क्योंकि बीते 1-2-3-4 दिनों में हमने देखा कि जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपनी रैलियां रद्द की है। काशी में उनका रैली होने वाला था प्रधानमंत्री का, लखनऊ में रैली होने वाला था उसे रद्द किया, और इसके अलावा अखिलेश यादव की एक विजय रथ यात्रा अयोध्या में थी उसे रद्द किया गया। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैराथन दौड़ को रद्द किया। तो अब सबकी निगाहें जो है वो होंगी चुनाव आयोग के गाइडलाइन पर कि कोरोना को लेकर किस तरीके का गाइडलाइन इस बार चुनाव आयोग बना रहा है। जी ठीक है, ठीक है। ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लगातार जो है उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में बीजेपी की मेयर बन गई है सरबजीत कौर, 14 वोट से जीती हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी को यहां पर सबसे ज्यादा यहां पर सीट्स मिली थी, लेकिन खबर सामने आ रही है कि चंडीगढ़ में बीजेपी की मेयर बनी है सरबजीत कौर, 14 वोट से जीत गई है। आम आदमी पार्टी ने इस नतीजे के बाद हंगामा करना वहां पर शुरू कर दिया है, क्योंकि अप्रत्याशित जीत मिली थी आम आदमी पार्टी को चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव में। चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ इस वक्त चमन पलानिया भी बने हुए हैं। चमन, बेशक आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, लेकिन सवाल यही लगातार उठ रहा था कि मेयर भी क्या आम आदमी पार्टी का बनेगा, बीजेपी ने बाजी मार ली। जी देखिए, जिस तरह से चंडीगढ़ का मेयर पद का जो चुनाव था वो इस बार बड़ा दिलचस्प रहा, क्योंकि 14 ही जो पार्षद थे वो आम आदमी पार्टी के पास थे और 14 ही जो पार्षद जो थे वो 13 पार्षद जो थे वो बीजेपी के पास हो गए थे और एक वोट जो था वो एमपी किरण खेर का काउंट होता, तो इस हिसाब से 14-14 का आंकड़ा था। हालांकि आज जो वोटिंग होनी थी उसमें जो है बीजेपी को जो है बहुमत मिला है और बीजेपी की जो सरबजीत है उसने जीत हासिल की है, लेकिन उसके जीत हासिल करने के बाद ही आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे उन्होंने अंदर ही धरना स्टार्ट कर दिया और मार्शलों को बुलाना पड़ा और काफ़ी देर जो है वहां पर धक्का मुक्की होती रही और काफ़ी हंगामा जो है अंदर जो है वो बहसबाजी जो चलती रही, लेकिन उसके बावजूद भी एमपी किरण खेर ने जो है वो सरबजीत को जो है वो मेयर पद के सीट पर बैठाया। और इस वक्त जो है अंदर जो है वो आप मेरे पीछे मैं चंडीगढ़ नगर निगम ऑफिस के बाहर हूँ, आप देख सकते हैं चंडीगढ़ नगर निगम ऑफिस के बाहर जो है तांता लगा हुआ है और नारेबाजी जो है अंदर चल रही है पूरी और
बीजेपी के जो नेता है वो भी यहाँ पर जो है वो पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। तो आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ नगर निगम के ऑफिस के बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं और पूरे जो यहाँ पर जो लोग हैं वो पूरा हंगामा जो है यहाँ पर जो है वो कर रहे हैं और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी ऑफिस के बाहर हैं और उनकी तरफ से जो है बाहर भी नारेबाजी की जा रही है और अंदर भी जो है वो जो मार्शल हैं उनको रोकने पे जो है वो लगे हुए हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो है बीजेपी ने जो है वो चंडीगढ़ में जो है अपना मेयर पद का जो चुनाव है वो जीत लिया है और मेयर पद जो है बीजेपी का चंडीगढ़ में बन गया है। जी रवि, लेकिन चमन सवाल यही है कि सीटें सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी ने जीती थी, फिर बीजेपी ने ऐसा क्या समीकरण बिठाया कि मेयर उनका बन गया? जी देखिए, बीजेपी के ऊपर जो है पहले भी जो है आम आदमी पार्टी आरोप लगा चुकी है कि बीजेपी जो है कांग्रेस के कुछ पार्षदों को जो है वो तोड़जोड़ रही थी और उसमें से जो है बीजेपी जो है एक कांग्रेस के जो पार्षद थे बबला जी, उनको जो है वो कुछ ही दिन पहले जो है शामिल करवाया था। उसके बाद जो है बीजेपी के जितने भी जो तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे चंडीगढ़ नगर निगम में किस तरह से बीजेपी ने बाजी मार लिया। बात करते हैं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की। लगातार हर एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रजेश कुमार सिंह भी हमारे साथ बने हुए, इनके साथ हम विश्लेषण कर रहे हैं कि किस तरह से 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होंगे क्या सियासी समीकरण वहां पर होगा। ब्रजेश जी, सवाल यही है क्योंकि सबकी निगाहें यूपी पे टिकी हुई, क्योंकि 2022 में अगर जीत होगी तो 2024 में एक संकेत जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है कि यूपी में इस बार मुद्दे कौन से हावी रहेंगे? गन्ना, जिन्ना, एक्सप्रेसवे, प्रदेश, ये तमाम मुद्दे रहे, कौन सा मुद्दा इन चुनावों में सबसे ज्यादा हावी रहेगा? देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, जो आपने जिन मुद्दों की बात की वो स्थानीय मुद्दे हैं वहां के, और पहले ये माना जाता था कि राज्यों के जो चुनाव हैं या विधानसभा चुनाव हैं काफी हद तक स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। लेकिन अगर आप पिछले 5 साल 7 साल से अगर आप देखें तो एक और बड़ा फैक्टर देश की राजनीति में, और वो जो फैक्टर प्रदेश की राजनीति में भी इंपैक्ट कर रहा है वो है मोदी फैक्टर। मोदी एक एक्स फैक्टर बन चुके हैं जो कि किसी भी चुनाव को प्रभावित करते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की भी बात करें, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चेहरा जो है जाहिर है कौन है, सामने जो है सो नरेंद्र मोदी हैं सबसे बड़े कैंपेनर के तौर पर। देखा गया कि देश में जहां भी चुनाव हुए वहां पर मोदी का अपना जो उनकी क्रेडिबिलिटी है वह जो है सो एक मेजर फैक्टर रही है। इसके साथ जाहिर है, चूंकि अगर आप पिछले कुछ सालों से देखें जो विधानसभा चुनाव है मोटे तौर पर जो है विकास जो है सो एक डोमिनेंट फैक्टर हो गया है। खुद मोदी का जो ग्रोथ गुजरात से लेकर और देश के प्रधानमंत्री तक का रहा है, विकास उसमें अहम फैक्टर रहा है। जाहिर है बीजेपी जो है जो उत्तर प्रदेश में जो कि 2017 में मैसिव मैंडेट के साथ आई, वह जो तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स जो है जो कि अभी तक हुए हैं, चाहे उसमें आप एक्सप्रेसवे की बात कर लें, काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट है, काफी सारे जो इन्वेस्टमेंट आए उसको सामने रखें। जहां तक गन्ना किसानों वगैरह का, अलग अलग इलाकों में ये सब फैक्टर होंगे, लेकिन आप एक तरह से देखें तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वह डेवलपमेंट होगा, सबसे बड़ा फैक्टर जो है। जाहिर सी बात है, बीजेपी जो है विकास के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है। देखना यह कि क्या इतिहास दोहरा पाएगी बीजेपी पिछले विधानसभा चुनावों की तरह। सीधा रुख करते हैं जावेद हमारे साथ नोएडा से बने हुए। जावेद, आपसे मेरा सवाल यही है क्योंकि चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है, देश में पिछले 24 घंटे में 1,41,000 मामले सामने आए, इन मामलों के बीच चुनाव कराना, चुनावी जो रैलियां होती हैं वहां पे कोरोना गाइडलाइंस का सही तरीके से पालन हो, यह सबसे बड़ा चैलेंज होगा। देखिए, ये वाकई बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए होने वाला है कि पिछले कई दिनों में हमने ऐसी बड़ी रैलीज कवर की हैं जहां कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा था, और यही वजह है कि तमाम तरफ से ये कहा जा रहा था कि कोरोना के बड़े खतरे के बीच किस तरीके से रैलियां होंगी, किस तरीके से चुनाव प्रचार होगा। तो ऐसे में चुनाव आयोग भी इस बात को लेकर बहुत संवेदनशील था, स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम आला अधिकारियों से बैठक भी की है, वो चर्चा भी हुई है। तो ऐसे में आज जो चुनाव की तारीखों के साथ साथ जो नज़र रहेगी वो इस बात पर भी रहेगी कि आखिर चुनाव में प्रचार किस तरीके से होगा, कोरोना का किस तरीके से ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हर रोज़ केसेस बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश बड़ी आबादी वाला राज्य है, बड़ा चुनाव वहां पर होना है, सबसे बड़ा राज्य है, तो सबसे ज़्यादा नज़रें वहां पर भी रहेंगी और बाकी जो राज्य हैं वहां पर भी रहेंगी, तो इस पर नज़रें रहेंगी कि आखिर क्या नियम कुछ चुनाव आयोग आज
घोषणा करेगा कि जिस तरीके से कोरोना का खतरा बना हुआ है। देखिए उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी रैली हुई है, कुछ इवेंट्स का अब रद्द भी करने पड़े हैं सियासी दलों को, और ये बात ज़रूर है कि जब चुनाव आयोग कोई नियम बनाएगा तो तमाम राजनीतिक दलों को वो मानना होगा, और ये देखना भी होगा कि आखिर वो ज़मीन पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है। तो ये बहुत वाजिब सवाल है जो लोग उठा भी रहे हैं और जो जिस पर नज़रें भी बनी हुई हैं, क्योंकि पिछले 2020 से अब तक कई चुनाव हुए हैं और ये लगातार बातें भी उठती रही हैं कि आखिर बिल्कुल पिछली बार भी जब पश्चिम बंगाल में जावेद जब पिछली बार पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे तब चुनाव आयोग पे कई तरह के सवाल उठे थे कि आपने नियम तो बना दिए हैं, गाइडलाइंस तो दे दी हैं, क्या राजनीतिक पार्टियां उनका पालन कर रही हैं, लोग उनका पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, रैलियों में अगर लोग आ रहे हैं तो मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा या नहीं हो रहा, इसको लेकर तमाम सवाल उठे थे। लेकिन हम लगातार विश्लेषण कर रहे हैं क्योंकि अब कुछ ही घंटों बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और ब्रजेश कुमार सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश, सवाल यही है कि पिछली बार जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे तो पीएम मोदी चेहरा थे, लेकिन इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ चेहरा है, तो क्या बदलाव अभी इन चुनावों में आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, जहां तक आपने योगी आदित्यनाथ की बात की, निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ ने अपने लिए एक इमेज बनाई है, क्योंकि आप ध्यान रखें जो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है योगी आदित्यनाथ के लिए वो क्या है, करप्शन। उनके सामने कोई व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का मामला नहीं है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर। आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाइए, हर कोई ये बात करेगा कि योगी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की परिस्थिति को सबसे दुरुस्त किया है, सबसे मजबूत कंडीशन में है, कहीं भी लोग निर्भय कहीं भी घूम सकते हैं, आप किसी से भी बात करिए, ये सबसे अहम चीज निकल कर आती है। तीसरी चीज जो निकल कर आती है वो ये है कि चूंकि केंद्र में जो है नरेंद्र मोदी की सरकार बैठी है, नरेंद्र मोदी खुद जो वाराणसी से लोकसभा के सांसद हैं, उसकी वजह से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पे लगातार ध्यान दिया गया है, चाहे निवेश हो, बड़ी बड़ी योजनाएं हो, उसका फायदा उत्तर प्रदेश को मिला है। तो अगर जो है सो केंद्र में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी रहते हैं तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश बनने के रास्ते पर और आगे बढ़ेगा, जाहिर है बीजेपी इसको लेकर जाएगी। जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, आप ध्यान रखें समाजवादी पार्टी जो उसका अपना पेट कॉम्बिनेशन है मुस्लिम और यादव, जाहिर है उसी को कॉन्सोलिडेट करेगी। लेकिन एक जो बड़ा चेंज आया है, बदलाव आया है रवि, जिसको कि हमें ध्यान रखना होगा, उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है आज की तारीख में सबसे अधिक समावेशी पार्टी है। एक तरह से कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है सो ओबीसी की सियासत, यादव जो है एक बड़ा वर्ग है वहां पर, लेकिन अगर आप बीजेपी के ऑफिस बेयरर से लेकर एमएलए से लेकर मंत्रियों तक की तादाद देखें तो जिस तरीके से बीजेपी ने जातीय समीकरण बिठाए हैं, चाहे ओबीसी को प्रतिनिधित्व देना हो, दलित को प्रतिनिधित्व देना है, अगली जातियों का ध्यान रखना है, एक कंप्लीट समावेशी तस्वीर है। और यही वजह है कि 2017 में जो उसको कामयाबी मिली उसी को कंसोलिडेट करने की दिशा में एक बार फिर से बीजेपी आगे बढ़ रही है, और जाहिर है उसमें मोदी और योगी ये दो बड़े चेहरे हैं जिसके सहारे बीजेपी अपनी जो नैया है फिर से पार लगाने की तैयारी में है। ठीक है, यूपी की सियासत की बात होगी, अब सीधा रुख करते हैं उत्तराखंड का। दीपांकर भट्ट मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। दीपांकर, आपसे सवाल ये, क्योंकि आप इंटरव्यू कर रहे थे हरीश रावत का, हरीश रावत ये डर रहे हैं कि कहीं कोरोना गाइडलाइंस के पीछे ऐसा ना हो कि सत्ताधारी पार्टियां जो है वो फायदा उठा लें, खुद एक्सेस ले लें और विपक्षी पार्टियों को थोड़ा पीछे रखें। बिल्कुल, अभी भी जो एक्स सीएम हरीश रावत इस समय सल्ट में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, मौसम खराब है उत्तराखंड में, बारिश हो रही है, तो हरीश रावत का साफ तौर पर कहना है कि ऑनलाइन वोटिंग कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती, वोटिंग जो पुराना पैटर्न है उसी पैटर्न पे वोटिंग होनी चाहिए। इसके अलावा अगर वर्चुअल रैलीज की बात आती है तो ऐसा ना हो कि वहां पर बीजेपी को सहूलियत मिले और कांग्रेस के पर वहां पर बंदिशें लगाई जाए। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट जो दोनों पार्टीज के लिए, बीजेपी और कांग्रेस के लिए उत्तराखंड में, कि इलेक्शन डेट उत्तरा यूपी के साथ किस दिन मैच करवाई जाएगी, क्योंकि पश्चिमी यूपी के साथ अक्सर ये देखा जाता है कि उत्तराखंड में उसी दिन वोटिंग होती है जिस दिन पश्चिमी यूपी में वोटिंग होती है, क्योंकि बॉर्डर को सील किया जाता है दोनों स्टेट के ताकि लोग इधर उधर ना जा सके वोटिंग वाले दिन पर। तो इस बात का इंतजार नेताओं का है। दूसरा, हरीश रावत का यह भी कहना है कि 15 फरवरी के बाद और मार्च के पहले हफ्ते के बीच में वोटिंग होनी चाहिए क्योंकि तब मौसम यहां पर ठीक रहता है। तो 45 दिन का लगभग टाइम रहता है पूरे इलेक्शन डेट अनाउंस होने से लेकर वोटिंग के दिन तक। तो अब इस 45 दिनों में कोविड के बीच में कैसे कैंपेन चलेगा, और हालांकि हरीश रावत जो इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, दोनों की तरफ से यह कहा गया कि हम 1-to-1 लोगों से मिलेंगे, लेकिन 2017 के मुकाबले कोविड की वजह से ये पूरा इलेक्शन कैंपेन इस बार बहुत चेंज तरीके से दिखेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तब यह सस्पेंस खत्म हो जाएगा, तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया जाएगा।